बॉलीवुड की तरफ दौड़ने के बावजूद एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय अपने बॉलीवुड करियर में भी अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। मैं हर एक्सपीरियंस में कुछ अलग करना चाहती थी और अपने ऑडियंस को वाकई में अलग अलग ऐश्वर्या दिखा पाऊँ। लोगों के मनोरंजन के लिए आपकी जैसी एक ही बहुत है ऐश्वर्या, प्लीज अपने दर्शकों को और तकलीफ मत दीजिए। आम तौर पे कहा जाता है कि सलमान खान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के काफी करीब हैं, लेकिन कभी कभी उनकी टांग खींच लेते हैं, जैसे इस वक्त वो कमाल की खींच रहे हैं। ये कमाल के लाइफ का बेस्ट गाना होगा, क्योंकि गाय तो सिर्फ दो हैं, एक वो जाने जाना और एक ये। उनको गाने तो बहुत मिलते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन वो बस गाना नहीं गाना चाहते। उनके पास ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, तो तकलीफ होती है गाड़ी में बैठ के स्टूडियो चले जाएं, गाना रिकॉर्ड कर लें। लेकिन ये इस गाने में बहुत मेहनत की, मद्रास गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, 15 मिनट में गा के बाहर आए, थक गए थे बेचारे, बहुत सांस फूलने लगी थी उनकी, वो गाने में नजर आ रहा। बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने, दर्द है, पेन है, एक्चुअली वो थकावट थी। इसके बाद हम क्या कहें कमाल, थोड़ा सुधर जाइए ना। अगर सलमान इसी तरह आपकी खिंचाई करते रहे तो शर्म के मारे आप गाना नहीं गा पाएंगे। लगता है हमारे एक्टर्स कभी भूल ही नहीं पाते कि वो एंटरटेनर्स हैं, शायद इसीलिए वो खुद का मजाक बनाकर भी लोगों को हंसाते ही रहते हैं। फुल लव स्टोरी है, इट्स अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड हाउ मैडली इन लव विद हिज वाइफ दिस बॉय इज, ओके ही just cannot get out of his mind, and how there's another girl who's after him and he doesn't even once look at that person.